अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फिटनेस गुरु। सो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप फिट होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको लेके बहुत से लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, और वो टॉपिक है फैट लॉस। फैट लॉस आपको पता है एक बहुत बड़ा यानी कि आजकल एक मसला चल रहा है। कोविड के डेज में लोगों ने घर में बैठ के बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, और इसीलिए ऑब्वियसली लोग परेशान हैं कि ये फैट से निजात कैसे पाई जाए, यानी कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। सो मैं आज आपसे तीन टिप्स शेयर करने वाला हूँ, सिर्फ तीन, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे सो आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना फैट लॉस कर लेंगे। सो गाइस बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारी मिथ्स जो कि हम ब्रेक करते हैं चैनल पे, आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। सो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सो जी स्टार्ट करते हैं हमारी टिप नंबर वन। और आपको जैसे कि पता है कि जब जो लोग फैट लॉस करते हैं उनके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, और उनमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये थी जब वो जिम जाते हैं तो ये सोचते हैं यार एक्सरसाइजेज करें यानी कि वेट ट्रेनिंग करें या फिर सिर्फ कार्डियो करें। अब मेरे पास भी जिम में लोग आते हैं, वो यही मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि बट साहब हम वेट एक्सरसाइजेज करें या सिर्फ कार्डियो करें। मेरा फलां दोस्त कहता है कि तुम सिर्फ कार्डियो करो, तुम वेट ट्रेनिंग ना करो, या कुछ दोस्त कहते हैं कि वो तुम सिर्फ वेट ट्रेनिंग करो कार्डियो ना करो। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों की अपनी अपनी जगह पे एक वैल्यू है। जैसे ऑब्वियसली हमें पता है कार्डियो करते हैं तो ऑब्वियसली हम कैलोरीज बर्न करते हैं। अब उसी जगह पे देखा जाए हम जब वेट ट्रेनिंग करते हैं ऑब्वियसली तभी हम कैलोरीज बर्न करते हैं। सो लोग कन्फ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं आज आपको बताता हूँ, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं ऑब्वियसली हम मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और हम इन रिजल्ट हमारे मसल्स को ग्रो करते हैं जब हम इनटेक करते हैं हमारी डाइट की अच्छी प्रोटीन इनटेक करते हैं। जब हम कार्डियो करते हैं सिर्फ हम कार्डियो कर रहे हैं ऑब्वियसली और कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। एक टाइम आता है जैसे आप कार्डियो करते रहते हैं और उसके अलावा वेट एक्सरसाइजेज नहीं होती आपकी, सो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और इन रिजल्ट आपको रिजल्ट्स आना बंद हो जाते हैं। गाइस मैं कोशिश करूंगा वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाई जाए, क्योंकि ऑब्वियसली फैट लॉस एक टॉपिक ऐसा है कि जिस पे जितना बोला जाए उतना कम है। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपको मैं जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जितने आपके बड़े मसल ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेन करें, जिनमें हमारी लेग्स आ जाती हैं, हमारी बैक आती है, हमारी चेस्ट आती है, ठीक है, इनको ज़्यादा ट्रेन करें। अब लोग एक्सरसाइजेज में गलती क्या करते हैं, एक्सरसाइजेज में वो गलती ये करते हैं कि एब्डोमिन की यानी कि पेट की अपनी बहुत सी एक्सरसाइजेज करते हैं, वो दूसरी बड़े मसल ग्रुप्स को निकाल देते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं अपने एब्डोमिन सेक्शन पे यानी कि अपने पेट पे, और उनको ये लगता है कि शायद हम सिर्फ पेट की एक्सरसाइजेस करेंगे सो इससे हम फैट लॉस कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो सिंपल सी एक टेक्निक है, 7700 कैलोरीज जब हम बर्न कर लेते हैं तो हम 1 kg फैट को बर्न कर लेते हैं इन रिजल्ट। ये मैं आपको कैलकुलेटेड खैर बता रहा हूँ चीज़, इस 7700 यानी कि 7700 कैलोरीज हमने उड़ा दिए, इसका मतलब हमने बॉडी से 1 kg फैट निकाल दिया। सो वेट एक्सरसाइजेस को कभी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े मसल ग्रुप्स हैं उनको लाजमी ट्रेन करें, जिसमें हमारे लेग्स आते हैं, जिसमें हमारी बैक आती है, जिसमें हमारी चेस्ट आती है, और ऑब्वियसली उसके बाद ओवरऑल पूरी बॉडी को ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ अ सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम जो हमारा है उसको सपोर्ट ही हमारा मसल सिस्टम करता है। सो बात करते हैं टिप नंबर टू पे, न्यूट्रिशन इज़ द की। जैसे आपको पता है न्यूट्रिशन जो आप खाएंगे ऑब्वियसली आपकी बॉडी वही दिखाएगी, जो इनपुट होगी उसी का ही आउटपुट आएगा। अब आप फॉर एग्जांपल सोचें कि माइक्रोवेव में मैंने गर्म करने के लिए मुर्गी रखी थी तो वो बाहर आके मटन बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो ऑब्वियसली आपने माइक्रोवेव में रखा था आपको इन रिजल्ट भी वही चीज़ आएगी। सो जो हम खाते हैं वो दिखता है। जैसे आपको पता है हमारी डाइट बड़ी ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस होने चाहिए। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, यानी कि मैक्रो ज़्यादा क्वांटिटी में, जिनमें हमारे प्रोटीन आ जाते हैं, कार्ब्स आ जाते हैं, हमारे फैट्स आ जाते हैं, और माइक्रो दूसरी तरफ देखा जाए उनमें दो चीज़ें आ जाती हैं हमारी विटामिंस एंड मिनरल्स, जिनमें जो हमारी बॉडी को माइक्रो क्वांटिटी में यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं ज़रूरत, लेकिन ज़रूरी होते हैं वो। जैसे कि प्रोटीन इनटेक हम करेंगे ऑब्वियसली,
सो हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए कार्ब इनटेक करेंगे ऑब्वियसली, वो हमारी एनर्जी के लिए. फैट्स इनटेक करेंगे ऑब्वियसली, वो दोनों काम करेगी, एक तो एनर्जी के लिए और दूसरा कि हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोनल फंक्शंस और ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हमारे फैट्स के साथ जुड़ी हुई है. सो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, जैसे मैंने अभी बताया हमारी टिप नंबर वन में कि 7700 कैलोरीज जस्ट टाइम पे हम बर्न करते हैं, तो उसका मतलब है कि हमने 1 kg फैट लॉस कर लिया. अब लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो कहते हैं यार ये थोड़ा सा तो खा रहा हूँ, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी इतनी बड़ा शरीर है, मेरी इतनी बड़ी बॉडी है, तो इसे क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे. तो ये चीज़ जो है ना, यही चीज़ इंसान को डुबाती है कि जब वो थोड़ी थोड़ी सी अपने आप को रिलैक्सेशन देता है ना इन चीज़ों में, तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है. कि बॉडी ऑब्वियसली जब आपने अपना फैट लॉस करना हो तो बड़ी कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन होती है आपकी, ठीक है. अगर आप सरप्लस में रहेंगे यानी कि कैलोरीज की इनटेक ज़्यादा रखेंगे, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा इनटेक करेंगे, तो आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है. अब उसी के ऑपोजिट साइड पर देखा जाए, अगर आप जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उससे कम इनटेक करेंगे, तो ऑब्वियसली बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपने सिस्टम को जगाएगी, भाई जी बंदा भूखा नंगा हो गया, ये नहीं कुछ खिलाने वाला हमें. सो अब हमें अपने स्टोर्ड रिजर्व को यूज़ करना पड़ेगा. हमारी बॉडी का एक बैंक सिस्टम है, जो हमारे स्टोर्ड फैट है उनको सिर्फ स्टोर्ड फैट ना समझें, ये हमारी स्टोर्ड एनर्जी है. जिस टाइम पे हम अपनी बॉडी को ज़रा इस तरह का हमारा बिहेवियर होता है कि भाई अब बस अब तुम्हें और ज़्यादा कार्ब्स और फैट्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगे, फिर बॉडी कहती है, समझाती है अपने आप को, यार इस बंदे ने ना हाथ खींच लिया, अब मुझे अपना रिजर्व यूज़ करना है. तो बॉडी फिर अपना स्टोर्ड कैलोरीज को ब्रेक डाउन करती है और उसी को फिर यूटिलाइज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज़ करती है बॉडी. और जहाँ पे जैसे मैं कैलोरीज की आपसे बात कर रहा हूँ, उसी के बरक्स देखा जाए तो कुछ लोग करना स्टार्ट कर देते हैं क्रैश डाइटिंग. जैसे आपको मैंने बताया कि डेफिसिट में रहेंगे यानी कि कैलोरीज की इनटेक जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे कम लेंगे, तो हमारा वेट लॉस होगा. अब इसका कई लोग गलत मतलब लेते हैं और वो भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं. अब क्रैश डाइटिंग लोग जो करते हैं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं. सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट, इंटरनली आप ख़त्म हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स जो हैं उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आपको जिस तरह से एक नॉर्मल ऑर्गन्स करते हैं. दूसरी चीज़, आपका मेटाबॉलिज्म तबाह हो जाएगा, ठीक है. एक टाइम तक आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा रहेगा, आपको रिस्पॉन्ड करता रहेगा. जैसे मैंने बताया कि बॉडी जो है अपने रिजर्व को रोकती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है यार बाहर से सप्लाई आ रही है, तो वो अपने सप्लाई को यूज़ नहीं करती. लेकिन जब लोग उसका नजायज़ फ़ायदा उठाएं तो बॉडी कहती है बस भाई मेरी ख़त्म हो गई यार, मैं हिम्मत हार गई हूँ, और वो मेटाबॉलिज्म तबाह हो जाता है इंसान का. सो इसीलिए एक बड़ी बैलेंस्ड आपकी डाइट होनी चाहिए, जिसमें मॉर्निंग में आपके थोड़े से कार्ब्स, आपके साथ में प्रोटीन अच्छी क्वान्टिटी में और साथ थोड़े से फैट्स होने चाहिए, ठीक है. दोपहर में भी इसी तरह से प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स, इनका आप एक कम्बिनेशन बना के ओवरऑल जब दिन में चलेंगे ना, तब आपको रिजल्ट्स आएंगे बेहतरीन, कि जिसमें आपका फैट भी लॉस हो रहा होगा और साथ साथ आपके मसल्स भी ऑब्वियसली ग्रो होंगे. सो एक बड़ी लीन और खूबसूरत सी आपके नीचे से फिजीक निकलेगी. सो टिप नंबर 3 जो हमारी आज की, वो होने जा रही है हाइड्रेशन. पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब अक्सर लोगों से मैं पूछता हूँ आगे वाटर इनटेक कैसी है, तो वो आगे से कहते हैं यार मेरी तो वाटर इनटेक बहुत बेहतरीन है. एंड पे पता चलता है कि वो माशाल्लाह से दिन के 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं. सो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए. हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो पानी पे चलते हैं और उनमें से एक है मेटाबॉलिज्म. सो जब हम वाटर इनटेक अपनी कम रखते हैं, सो ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. हमारी बॉडी के काफ़ी हार्मोन्स ऐसे हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं. हमारी बॉडी के इंसान की बॉडी ऑब्वियसली 70% तो बेस ही पानी पे करती है, ठीक है. हमारे मसल्स के अंदर वाटर स्टोर होता है, ठीक है. जो हमारी मसल्स की रिकवरी होती है वो पानी की हेल्प से होती है. मसल में जो फिटीग आती है हमारी, इवन आप नोटिस करिएगा जो एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी वाटर कंजम्पशन बहुत अच्छी होती है. और वो इतनी जल्दी क्यों अपने आप को रिकवर करते हैं, इसी वजह से कि हाइड्रेटेड रहते हैं. और हाइड्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि इसके ऊपर अगर बंदा बात करना स्टार्ट करे तो मैं कहता हूँ सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये चैप्टर नहीं ख़त्म हो सकता. हाइड्रेशन बहुत अच्छी वाटर इनटेक होनी चाहिए, 3 से 4 लीटर तक पानी आप पिए. फैट लॉस में मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा ये आपको. 3 से 4 लीटर मिनिमम आपका पानी इनटेक होनी चाहिए. सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. इस वीडियो को शेयर करें और आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको बेचारों को बड़ी मसला हो रहा होगा फैट लॉस में, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है गाइस. मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस में. तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.